हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ रिचा। मैं आज आपके साथ एक समर जो अभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और ज़्यादा गर्मी पड़ जाएगी, जो बहुत ही ज़्यादा चिपचिपी और बहुत इरिटेटिंग होगी, बहुत अच्छा नहीं लगेगा उसमें। अभी तो ठीक है लेकिन उसके बाद बहुत ज़्यादा गर्म होता है, इसलिए आपको ऐसा नहीं करना है। चाहे आप ऑयली स्किन हो, कोई भी कॉम्बिनेशन स्किन हो, किसी भी ऑल स्किन टाइप वालों के लिए मैंने ये सीरम बनाया है। आप इसको अप्लाई ज़रूर कीजिए। सेंसिटिव स्किन वाले इसको थोड़ा सा कुछ अगर चेंज करना पड़े तो मैंने उसमें बताया, वो आप देख लीजिएगा। मैं देखा बताऊँगी अभी कि क्या चेंज करना है इसमें। तो मैंने सीरम बनाया है, ये सीरम आपके जो पोर्स हैं वो भी टाइट करेगा और आपकी स्किन को लाइटन बनाएगा और ब्राइटन बनाएगा। और आपके जो अगर आपकी स्किन में थोड़े से भी अगर वो क्या कहते हैं कि अगर झुर्रियाँ हैं, हल्की हल्की लाइनिंग है अगर आपकी स्किन में, तो वो भी इससे रिड्यूस हो जाएंगी, हल्की पड़ जाएंगी और बाद में ये गायब भी हो जाएंगी। इसलिए चलिए देख लेते हैं इसको बनाना कैसे है। इस सीरम के लिए हमें चाहिए एक एम्पटी बाउल और एक स्पून लेनी है। सबसे पहले इसमें ये कुकुम्बर जूस है, ये मैंने 2 चम्मच आपको ले लेना है, 1 या 2 चम्मच आप ले लीजिए। आपको जैसे 7 डेज के लिए बनाना है तो 2 स्पून आप इसको ले सकते हैं। मैं इसको 2 स्पून ले रही हूँ। और मैंने इसको बनाया कैसे, सभी जानते होंगे कि कुकुम्बर जूस कैसे निकालना है। आप कद्दूकस करके भी निकाल सकते हो और या फिर आप पीस कर भी निकाल सकते हो या फिर उसको ग्राइंडर में ग्राइंड करके भी आप निकाल लीजिए, तो भी ये निकल आएगा अच्छे से। और फिर इसको स्क्वीज कर लीजिए छलनी के साथ। और मैं 1 चम्मच एलोवेरा जेल ले रही हूँ। ये सीरम बहुत ही अच्छा है समर्स के लिए, मैं इसको यूज़ करती हूँ नाइट में, और नाइट में ये बहुत ही अच्छा काम करता है। सुबह तक एकदम स्किन बहुत ही अच्छी सॉफ्ट और ग्लोई हो जाती है। ये विटामिन ई का कैप्सूल लूँगी मैं। आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है तो आप 2 ले सकते हो, मैं 1 ले रही हूँ। इसको ऐसे रोक कर लीजिए और इस तरह से आप निकाल दीजिए इसको। करना है फिर इसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लेना है। समर्स के हिसाब से आपको थोड़ा ही लेना है, ज्यादा नहीं लेना है, क्योंकि हमने इसमें विटामिन ई का कैप्सूल देखिए इतना थोड़ा ही डाला है मैंने, ज्यादा नहीं डाल रही हूँ मैं। और मैं इसमें ये लेमन एसेंशियल ऑयल डालूंगी, मेरे पास है तो मैं डाल ले रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो लेमन जूस भी डाल सकते हो, और या फिर आपकी बहुत सेंसिटिव स्किन है तो आप स्किप कर दीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको ये डालना है। 2 ड्रॉप या 3 ड्रॉप डाल सकते हो आप। इसमें छेद ज़्यादा बड़ा नहीं है इसलिए मैं डालती रहती हूँ इसको। लिया है मैंने इसमें, ये ज्यादा है नहीं इसलिए छेद अच्छा नहीं है इसमें। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल सीरम टाइप होनी चाहिए। अच्छे से मिक्स हो जाएगा, ये बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है, बिल्कुल क्रीमी हो जाएगा, जेल टाइप हो जाएगा ये। तो बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लूंगी मैं। समर्स में आप इसको यूज करेंगे तो बहुत ही अच्छा आपके जो पोर्स हैं वो भी टाइट रहेंगे और अच्छे से वर्क करेगा आपकी स्किन में। नाइट में ये लगाएंगे आप तो बहुत ही अच्छा सूदिंग रहेगी, ठंडक भी लगेगी आपके चेहरे को, चेहरा एकदम ब्राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसको लगाना कैसे है। अभी मैं इसको और मिक्स कर लूंगी फिर मैं दिखाती हूँ आपको।
तो गाइज आप लोगों ने देख लिया है कि मैंने इसको किस तरह से बनाया है। ये देखिए, सेंसिटिव स्किन वालों को थोड़ा सा, अगर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है और आप नहीं, लेमन सूट करता है आपको या टमाटो सूट नहीं करता है, तो आप उसको स्किप कर दीजिए और लेमन जूस और या फिर वो एसेंशियल ऑयल जो मैंने डाला है वो आप नहीं डालें तो भी ये चल जाएगा। और इसको आप यूज़ ज़रूर कीजिए और मेरे साथ आप ज़रूर इसको बना के, सिर्फ एक हफ्ते के लिए इसका बैच बनाना है आपको, और फ्रिज में रखिए इसको और बस रात में आपको वॉश करना है। जो भी फेस वॉश के साथ आप वॉश करते हैं वो वॉश कर लीजिए अपने फेस को, और इसको सिर्फ थोड़ा ही, सिर्फ बूंद के बराबर जैसे सीरम होते हैं, बस इस तरह से आपको लगाना है डैब डैब करके, और फिर इस तरह से आपको कर लेना है। ऑब्जर्व हो जाएगा ये, बस 2 मिनट आपको मसाज देनी है और आपकी स्किन में ये एकदम ऑब्जर्व हो जाएगा और बहुत ही अच्छा है इसका, और ठंडा भी लगेगा आपको क्योंकि इसमें फ्रिज में रखा होगा तो बहुत ही अच्छा काम आएगा इसका। तो देखिए मैंने इसको लगा लिया है, बिल्कुल ड्राई हो गया है। आप इसको हैंड पे भी अप्लाई कर सकते हो, आप इसको जहाँ चाहे, आप गर्दन तक, यहाँ तक तो आपको लगाना ही, नेक तक तो आपको छोड़ना ही नहीं है, लेकिन आप चाहे तो आप इसको हैंड पर, एल्बो पर, कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि ये सिरम है तो आप सिर्फ फेस पर ही अप्लाई कर सकते हैं, इसको आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। और इसको आपको एक कंटेनर में रख लेना है, छोटी सी डब्बी हो, या मैं तो इसमें रख लूँगी और बस इसको फ्रिज में रख दूँगी, बस जब रात में मैं फेस वॉश करूँगी उसके बाद मैं इसको अप्लाई करके और सो जाऊंगी। सुबह एकदम सॉफ्ट स्किन हो जाती है, बेबी सॉफ्ट स्किन से हो जाएगी आपकी, ये मैं ये प्रॉमिस करती हूँ आपको। और आप इसको ज़रूर से ज़रूर बनाकर देखिए और ये बहुत ही अच्छा है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है, थोड़ा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। और सब्सक्राइब, जो भी नए आए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें, जो देखते रहते हैं, मुझे फॉलो करते रहते हैं तो वो, तो अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो वो सब्सक्राइब ना करें क्योंकि अनसब्सक्राइब हो जाएगा वो, इसलिए सब्सक्राइब उनको नहीं करना है, बस उनको लाइक देना है। लाइक मुझे कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है, किस तरह और वीडियो में बनाऊँ, और मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा इसको बनाने के बाद। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय।